नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पास है ये एक बड़ा टमाटर जिसको मैंने डिस्क शेप में काट लिया है और इसमें मैं फिलिंग करके बनाऊंगी, यूज करूंगी अंडा, साथ में बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा चावल का आटा, नमक और मिर्च। एक लाजवाब फटाफट बनने वाला स्नैक्स। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं इसको इस तरह से काट के अलग करती जाऊंगी। इस तरह से हमको ये टमाटर की फिलिंग निकालनी है और ये इस तरह से मैंने इसको काट लिया। तो आप देख सकते हैं मेरे पास हैं ये तीन डिस्क और अब मैं इसकी फिलिंग बनाने जा रही हूं, जिसके लिए मैं लूंगी ये अंडा। मैंने एक अंडा ले लिया और इसको मैं थोड़ा सा काटे की मदद से सिंपल सा फेटूंगी। बहुत ही लाजवाब बनके ये तैयार होगा। और मैंने तवा चढ़ा दिया है, थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ प्याज और थोड़ा सा मैं डालूंगी धनिया और साथ में मैं डालूंगी थोड़ा सा चावल का आटा। चावल के आटे से ये थोड़ा सा करारा हो जाएगा। अब आप देखिए, जो ये अंदर की फिलिंग थी ये भी मैं अंडे के अंदर डाल रही हूं। बहुत ही अच्छा झटपट बनने वाला ये स्नैक तैयार होगा और खाने वाले को भी मजा आ जाएगा। तो देखिए, इसको भी मैं इस तरह से मिला लूंगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने एकदम थिक कर लिया और अब मैं डालने जा रही हूं इसके अंदर नमक, सॉल्ट टू टेस्ट और साथ में मैं डाल रही हूं लाल मिर्च। हेल्दी तो ये है ही और फटाफट बनेगा। तो अब मैं क्या करूंगी, ये तीनों टमाटर की रिंग्स को रखूंगी पैन के ऊपर, और इस तरफ से मैं थोड़ा सा इसको सेकूंगी और फिर मैं इसको टर्न कर दूंगी। इस साइड से थोड़ा सा टमाटर सिक जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। और अब बिल्कुल आंच है धीरे, फ्लेम को हमें एकदम धीरे रखना है और ये फिलिंग को इस तरह से इसके अंदर भरते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा ये खाने में, बहुत स्वादिष्ट। तो चलिए मिलते हैं एक मिनट के बाद, थोड़ा इसके पकने के बाद। अब देखिए, एक साइड से ये थोड़ा सा बन गया तो मैं इसको टर्न कर दूंगी। बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं, अगर आप इसके अंदर चीज डालें तो आप इसको माइक्रोवेव या ओटीटी में भी पका सकते हैं। बट सिंपल झटपट बनने वाला प्यारा सा ये नाश्ता बनके होगा तैयार। तो बस 2 मिनट की देरी और आपका नाश्ता हो गया तैयार। देखिए, ये लाजवाब एक टमाटर होके बन के हो गए तैयार। ये देखिए, है ना, झटपट बनने वाला नाश्ता। और आप इसे एंजॉय करिए बढ़िया सॉस के साथ। मैं थोड़ा सा इसको गार्निश कर दूंगी हरे धनिया की पत्ती के साथ। तो आई हैव मेड अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मैंने आपको सिर्फ एक टमाटर के साथ ये बना के दिखाया। आप इसको बनाइए, फैमिली को खिलाइए और मुझे बताइए आपको ये प्यारी सी रेसिपी कैसी लगी।
Thanks for watching my video. Do like and subscribe if you love this innovative, tasty, yummy, delicious recipe. Thanks for watching.